News 18, India. कैसे आगे चलती रहेगी और किस तरह से झारखंड में आगे खेला होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन बड़ी खबर रांची से जो मिल रही है वो आप जान लीजिए। रांची से सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों को झारखंड के अब बाहर भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। रांची सर्किट हाउस के पिछली गेट से बस थोड़ी देर में अंदर भेजी गई और सर्किट हाउस में 43 विधायक मौजूद हैं। सत्ताधारी गठबंधन के 47 विधायकों में से 35 विधायक को बाहर भेजने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो विधायक है ये या तो हैदराबाद भेजे जा सकते हैं या फिर शायद इन्हें बेंगलुरु में ठिकाना इनका हो सकता है, वहां ठहराया जाएगा इनको। तो बिल्कुल यहाँ पर जोड़ तोड़ की कवायद शुरू हो चुकी है। क्या चंपई सोरेन का राज तिलक होगा या राष्ट्रपति शासन लगेगा या बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी, ये बहुत अहम सवाल है। थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन किस तरीके से अब जेएमएम अपने विधायकों को बचा रही है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सर्किट हाउस में ये विधायक थे और बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कई विधायकों के फोन स्विच ऑफ है, यानी कि कुछ विधायकों का समर्थन नहीं है, ऐसे में सरकार गिर सकती है, चंपई सोरेन अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये बीजेपी कह रही है। और मैं सीधे अपने सहयोगी चंद्रमोहन का रुख करूंगी। चंद्रमोहन, ये झारखंड है जिसके दामन पे दाग ये है कि वहां अस्थिर सरकारें रहती है। मैं जरा दर्शकों को पहले नाम गिना दूं कौन कौन अभी भी बागी तेवर में है, फिर चंद्रमोहन से मैं सवाल लूंगी। इसके नाम है बसंत सोरेन, इसके अलावा सीता सोरेन, रामदास सोरेन, इसके अलावा जो नाम है लोबिन हेब्रम, चमरा लिंडा, ये वो नाम है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद इनमें से कुछ नेता बसंत सोरेन शायद बीजेपी के संपर्क में भी है। खबरें तो ये भी मिलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन ये पॉलिटिकल क्राइसिस कौन संभाल रहा है, मुझे ये चंद्रमोहन आपसे समझना है कि ये कौन सब कुछ देख रहा है, कौन मैनेज कर रहा है। अगर चार्टर प्लेन से ये सभी विधायक जाएंगे, इन्हें एकजुट रखने की चुनौती संभाल कौन रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी तो कमान चंपई सोरेन ही संभाल रहे हैं और उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी सत्ताधारी दल के विधायक हैं उनको इकट्ठा रहना है और कहीं भी जाना है तो एक साथ जाना है, और उसी की तैयारी चल रही है कि अभी यहाँ पर ये सर्किट हाउस का पिछला हिस्सा है, एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर बड़ी बस जो आगे गेट पर लगा हुआ था उसको अब पीछे लाया गया है और तमाम सुरक्षा बल के जवान अंदर में तैनात है। कई गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ अंदर में लगी हुई हैं और इसी बस के जरिए, ठीक इस बस के पीछे एक ट्रैवलर बस भी लगा हुआ है और उसके पीछे एक और ट्रैवलर लगा हुआ है, दो ट्रैवलर और एक बड़ी बस, जो 43 विधायक हैं यहाँ पर मौजूद उनको ले जाने की तैयारी है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहले ये सभी विधायक, इन सभी विधायकों को यह जानकारी दी गई है कि उनको राजभवन ले जाया जाएगा और फिर वहां से महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। रांची में राज्यपाल से मिलने पहुंचे चंपई सोरेन, राज्यपाल को सौंपा 47 विधायकों के समर्थन का पत्र, सरकार बनाने का पेश किया दावा।